हाय दोस्तों, अगर आप भी यूज करते हो वीवो T2X 5G फोन, तो दोस्तों आपके भी फोन के अंदर एक प्रॉब्लम देखने को मिल रहा होगा कि जैसे अपने फोन को स्विच ऑफ करने जाते होंगे तो दोस्तों आपके सामने भी कुछ इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलता है एंड दोस्तों जो आपका फोन है वो स्विच ऑफ नहीं होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि कैसे अपने फोन को स्विच ऑफ कर सकते हो, साथ ही साथ दोस्तों आप अपने फोन को कैसे रीस्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों सारा चीज मैं आज इस वीडियो में सेटिंग बताने वाला हूँ, बस आपको एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी जो आपका प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगा। सेटिंग करने के लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने फोन का जो सेटिंग है उसे सिंपली ओपन कर लेना है। अब जैसे दोस्तों अपने फोन का सेटिंग ओपन करते हो तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ऑप्शन आ जाएंगे। तो दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है एंड नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ढूंढना है एडिशनल सेटिंग। अगर आपको एडिशनल सेटिंग देखने को नहीं मिलता है तो फाइनल दोस्तों आप यहाँ से सर्च कर सकते हो, ठीक है। अगर सर्च करना है तो कर सकते हो, अगर आपको मिल जाता है तो आपको एडिशनल सेटिंग में जाना है एंड दोस्तों आपको थोड़ा सा नीचे आना है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा मेक गूगल असिस्टेंट विथ पावर बटन। अभी दोस्तों आपके फोन के अंदर ये जो ऑप्शन है वो ऑन होंगे, तो आपको क्या करना है कि इसको ऑफ कर देना है। अब जैसे दोस्तों आप इसको ऑफ करते हो और जैसे ऑफ करने के बाद अपने फोन का पावर बटन को प्रेस करते हो तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको यहाँ पे रीस्टार्ट एंड पावर बटन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आप जिधर कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो यहाँ से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे एंड दोस्तों आप बिल्कुल आसानी तरीके से अपने फोन को स्विच ऑफ रीस्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।